एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। राज्य में एक अधिकारी हैं ज्ञानवंत सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर। उच्च न्यायालय ने उनके बारे में क्या टिप्पणी की? दैट ही हैज वायलेटेड ह्यूमन राइट्स, ही हैज वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ पुलिस एक्ट, ही इज एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये फाइंडिंग्स उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड की और जांच का कहा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, ये बातें यथावत रही। उनको चार्जशीट दी गई, जांच हुई, जांच के नतीजे से शायद वो खुश नहीं हुए। निश्चित जांच का नतीजा उनके खिलाफ होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में गए, वहां उनको विफलता मिली। वो उच्च न्यायालय में गए, वहां विफलता मिली। राज्यपाल तो इतना ही जानना चाहता है और लंबे समय से पूछ रहा हूं कि उस जांच का क्या हुआ। 2014 में उनको डीआईजी बना दिया, उनको आईजी बना दिया। मेरा प्रश्न सामान्य है कि ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय ने ऐसे गंभीर टिप्पणियां की हैं, आज वो आपका ताना बाना बुन रहा है। एडीज लॉ एंड ऑर्डर है जो कार्यकलाप कर रहे हैं, जिनकी इनपुट मेरे पास आ रही है, मैं आप लोगों से शेयर करने की हालत में नहीं हूं। ये उस चीज को दृष्टिगत करता है, सरकारी कर्मचारी का राजनीतिकरण 100% होना। और ये ओपन सीक्रेट है, आपसे ज्यादा इसका ज्ञान किसी को नहीं है। आप लोगों पर पत्रकार होने के नाते, फोर्थ स्टेट होने के नाते डेमोक्रेसी का, आप डेमोक्रेसी के मजबूत स्तंभ हैं। यदि अगर आप अब चुप रह गए तो आपकी चुप्पी विल ऑलवेज रिजोनेट इन योर ईयर्स कि आपने इतनी बड़ी अनियमितताएं देखी और आपने अपने कार्य का निर्वहन नहीं किया। क्या राज्यपाल गलत काम कर रहा है जब यह आह्वान करता है कि 2021 के चुनाव रक्त रंजित नहीं होने चाहिए? है कोई जो ये कहेगा कि रक्त रंजित होने चाहिए? राज्यपाल जब याचना करता है, अनुरोध करता है, कानून के प्रावधानों का हवाला देकर हाथ जोड़ता है कि चुनाव में हिंसा नहीं होनी चाहिए, सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारी, सरकारी पुलिस अधिकारी राजनीतिक कार्य में नहीं लग सकते, वो राजनीति का कार्य करेंगे, उनका कदम दुराचरण होगा, उनका कदम उन नियमों के खिलाफ होगा जो भारतीय संविधान के तहत निर्मित है। वो नियम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो छोड़िए, दे बिकम पॉलिटिकल पुलिस, दे बिकम पॉलिटिकल वर्कर्स, फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर्स। चुनाव को किसी भी हालत में, यदि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, खुदीराम बोस, मतंगिरी हाजरा जैसे अनेक फ्रीडम फाइटर्स की शहादत को कलंकित नहीं करना है, तो इस महायज्ञ में हरेक को आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि मतदान निष्पक्ष हो, निर्भीक तरीके से हो। राज्यपाल की हैसियत से आई नॉट कंसर्न उसकी राजनीतिक